हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। फ्रेंड्स देखंतु, एई वीडियो रे आज आमे डिस्कस करबा ओपीएससी रो ओईएस आजो हमर रहीची ओडिसा एजुकेशन सर्विस। तो स्कूल ब्रांच रो कोन रहीचे डिटेल्स क्वालिफिकेशंस, तापरे कोन रहीचे सिलेबस, कोन आपण मानकु प्रिपरेशंस करबा को पडिबो, आरो रिक्रूटमेंट केबे लास्ट हेथिला एंड केबे नेक्स्ट टाइम हबो, तो सेही सब विषय रे एंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर केमिति रहिचे, तो केमिति आपनकु प्रिपरेशंस करबाकु पडिबो, तो सेही सब विषय रे हम एटा डिस्कस करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंदु कि ओईएस जो एग्जाम टी हबो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट करूची ओपीएससी। तो तारो जदि क्वालिफिकेशंस देखिबा, देन आपन जदि सिंपली जदि आहुरी अन्य क्वालिफिकेशंस ऐड है कि आपन तो नोटिफिकेशन देखिबे सते बेले जानि परिबे, बट सिंपल क्वालिफिकेशंस कौन करथिबा दरकार सेतिक ही मुझे शेयर करुच्ची। जमीक देखु जदि आप बीए और बीएससी करेंगे, तासत बीएड थी और एमएड थी, देन आपण मैंने अप्लाई करेंगे। अदरवाइज जदि आम एमएड करना, बट एमए और एमएससी करीएड करेबे भी आपण मैंने अप्लाई करें। तो किसी गोटे मास्टर्स डिग्री आपणकर दरकार, जमी जदि ग्रेजुएशन पिला बीएड पर एमएड करें पकईपरें, अदरवाइज जदि पीजी परे पिला माने बीएड करिसन से माने मध्य पकेई पारिबे। तो ए सब रहिचे, तापर जदि इंटीग्रेटेड अमर जमति कि बीए बीएससी रहिचे, इंटीग्रेटेड एमएससी एमए प्रोग्राम्स रहिचे, से माने मध्य पकेई पारिबे, बट ता सहित ए सब क्राइटेरिया जमति कि बीएड एमएड ए सब रहितबा दरकार। तो आइदर वन और टू दुईटा भितर गोटे थिले आपण माने पकेई पारिबे। तो सिंपल एटा होची हमर क्वालिफिकेशंस जदि आमे देखिबा, देन एमिति ही रहितबो। तो आर्ट साइंस सब पिला माने पकेई परिबे। तो केते पोस्ट आसुची सेटा देखिकी ही आमे कहि परिबा। तो जदि आमे कहिबा कि लास्ट ईयर केबे आसतिला, तो लास्ट ईयर एटा आपनकर 2014-15 रे तार नोटिफिकेशन आसिकी एग्जाम हेकी रिक्रूट करा जायतिला। तो जेमति कि जदि आमे कहिबा कि दिस ईयर, तो 2020 रे जदि केबे कोन बाहरिबार, तो देखंतु एटी गोटे जिनस हम आपण मानको कहि रखिबे कि ओईएस जो एग्जाम करा जाउची, तो जो माने भी आपणकर मिनिमम एज ग्रुप हेतबा दरकार 21। तो जमति कि सबुर 32 थाए मैक्सिमम एज ग्रुप, तो एथिरे 32 रहिबो नाही, एथिरे अधिक ही रहिबो। तो आपणकर तो एथिरे ओडी ओरिड हबार किछ नाही एज पई, तो 21 मिनिमम हेतिले आपण माने पकेई परिबे जदि आपण पाखरे क्वालिफिकेशंस रहिछि। देन जदि आमे देखिबा सिलेक्शन प्रोसीड्योर आरो होछि सिंपल रिटन आउ इंटरव्यू ही रहिछि। रिटन एग्जाम आउ इंटरव्यू आमर रिटन 350 मार्क रहबो, तापर गोटे वाइवा वाइज टेस्ट बा इंटरव्यू जोटा आमे कहउछन्ती सेटा कंडक्ट करा जिवो। तो जदि सिलेबस देखिबा, देन आपणकर तीनटा ही सेक्शन रहउछि, गोटे जनरल इंग्लिश, तो तार सिलेबस भीतर आपणकु एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग ए सबु रहउछि। तापर पेपर टू जदि आमे देखिबा, देन जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज 100 मार्क आसुछि, ता सहित इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंटिफिक नॉलेज, तो ये सब साइंस मिसिकी एमती जीके आपणकर जनरल नॉलेज उपर क्वेश्चंस आसीबो। तापर आम जदि देखा पेपर थ्री होमर एटा हूँ 150 मार्क्स, ये मुझे मेनसन करवाक भूली जाइए, तो यहाँ 150 मार्क्स आपंकर आसो, जमीक एजुकेशन सिलेबस फिलोसोफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ये सब एजुकेशनल मैनेजमेंट आप जो मैंने पढ़ी जो जो गुड़ा से सब जिन आप बीएड एमएड कोर्स सबकि फिलोसोफी साइकोलॉजी ही आस। सहित ये सब रोच सिलेबस स्ट्रक्चर ये सब आपको देखा मिलता। तापर आपणकर जमीक सैलरी स्ट्रक्चर जदि देखिए, देन सैलरी स्ट्रक्चर आपने देखिपे के वे स्केल रही, ग्रेड पे के विथ डीए सबकि रही, बहुत भल सैलरी, बिकज जो मैंने भी सिलेक्ट हे से आईदर से मैंने पोस्टिंग से मैंने पाइबे डायरेक्टली गोटे बड़ बड़ गवर्नमेंट स्कूल जो गुड़ा रही स्कूल डायरेक्ट हेड पोस्ट्रे से जॉइन करेंगे, बिकज ओईएस एग्जाम लास्ट टाइम जब होता सेमती ही पोस्टिंग मिली, बट यही थर जदि आम देखा देन किसी जमीक बाहरी गवर्नमेंटर जमीक जो मैंने भी अलरेडी रही हेडमास्टर्स मैंने रही स्कूल्स रो, तो से प्रमोशन्स आसी, तो प्रमोशन्स किसी जो जी पोस्ट वैकेंट रही, सपोज जदि आपणकर 800-800 प्लस जमीक पोस्ट वैकेंट रही, तो 800 प्लस रु से 50-60% से प्रमोशन थ्रु रु देदेबे। तापर बाकी जहाँ वैकेंट रमीक 200-300 पाखापाखी पोस्ट जमीक डायरेक्टली रिक्रूट करा थ्रू ओईएस एग्जाम्स। तो तेणुक जदि आपण मैंने इंटरेस्टेड रही एंड बीएड एमएड करें, देन आपण मैंने एग्जाम पर प्रिपेरेसन्स निहाती भाव में करेंगे, बिकज 4-5 वर्ष तले जेहेतु एग्जाम होता, तो एवं एग्जाम आगक हबार रही, तो
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ସିଲାବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ତ ତେଣୁକରି ସେହିସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂଲିଶର ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବନି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ହିଁ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବାର ଥିଲା କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏବେଠୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ 2020-21 ବେଳକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।